हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। निशा की रसोई में आज आपका स्वागत है। मैं हूं निशा शर्मा, कोटा राजस्थान से, और आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं एक नई रेसिपी, व्रत की रेसिपी लेकर आई हूं मैं आज आपके लिए। आपने आलू बड़े तो काफी सारे खा रखे होंगे, लेकिन आपने साबूदाने के आलू बड़े कभी नहीं खाए होंगे। साबूदाने के आलू बड़े व्रत में यूज किए जाते हैं और इन्हें बनाना भी बेहद आसान होता है, और ये आसानी से बन भी जाते हैं और खाने में भी बेहद टेस्टी लगते हैं। चलिए आइए हम इन्हें शुरू करते हैं। कैसे बनते हैं ये साबूदाने के आलू बड़े बनाने के लिए मैंने बॉईल किए हुए मीडियम साइज़ के 4 आलू ले लिए हैं। कूटू का आटा ले लिया है मैंने 2 कप, और बारीक कटे हुए हरी मिर्च लिए हैं, बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, और 2 कप मैंने साबूदाने, इनको भिगोकर मैंने रख दिया था, इनका पानी अच्छे से निकाल दिया है, और ये सूखे हुए साबूदाने हैं। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। अब हम डो लगाएंगे। मैंने ये साबूदाने का अच्छे से पानी निकाल लिया है और एकदम इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। अब हम इसमें सारी चीज़ें मिलाएंगे। पहले ये बॉईल किए हुए आलू हम इसमें डाल देंगे अच्छे से। इसमें मैंने ये बॉईल किए हुए आलू डाल दिए हैं, बारीक कटे हुए हरी मिर्च भी डाल दिए हैं, बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दिया है मैंने इसमें, और हम इसमें ऐसे फैलाकर इसमें आटा डाल देंगे। ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए ऐसे हमको इसको अच्छे से मिलाना है। देखिए हम इसको अच्छे से मिला देंगे। चलिए अब हम इसको चटपटा बनाने के लिए हम इसमें 2 टेबल स्पून सेंधा नमक का यूज़ करेंगे। व्रत में सेंधा नमक का यूज़ होता है, मैंने इसमें सेंधा नमक डाल दिया है, और मोटे कुटे हुए काली मिर्चें जिससे इससे चटपटा स्वाद आएगा। आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं दोनों चीज़ें, आपको जितना डालना है। अब हम इनको अच्छे से और मिला लेंगे। अब ये हमारा मिश्रण अच्छे से मिल चुका है। अब मैं अपने हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लूँगी। ऐसे मैंने तेल लगा लिया थोड़ा सा, अपने हाथों को बिल्कुल चिकना कर लिया है मैंने। अब थोड़ा थोड़ा से लोई लेंगे और इनको अच्छे से, आप जितने साइज का, आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं, ये ऐसा गोल हम इसको एकदम आलू बड़े के जैसे रोल करेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से बन गया है और कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर भी देखने में भी। ये देखिए इसी तरीके से हम सारे रोल गोल गोल ऐसे बना लेंगे, बना के हम रख लेंगे। देखिए मैंने ये सारे रोल बना लिए हैं, अच्छे से रोल बना लिया है, और हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। मैंने तेल गर्म करने चढ़ा दिया था, ये हमारा तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है, हम इसे चेक कर पाएंगे। हाँ, अब हम इसमें ये सारे बॉल्स, एक एक करके बॉल्स हम इसमें डालेंगे, तेल के अंदर डालेंगे। ये देखिए मैंने तेल के अंदर डाल दिया है, ये दूसरा भी मैं डाल रही हूँ। एक साथ बहुत सारी ना डालें, एक एक दो दो करके भी हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए हमारे ये मंदी मंदी आँच पे सेक रहे हैं, मैं इनको मंदी आँच पे ही सेक रही हूँ, एकदम तेज पे नहीं सेकेंगे हम। ये देखिए मंदी मंदी आँच पे हमारे सेक रहे हैं, हम इन्हें सेकने देंगे थोड़ी देर। देखिए हमारे ये साबूदाने बिल्कुल सिक चुके हैं, अच्छे से सिक गए हैं ये सारे। अब हम इनको निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे सिके हैं, बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं। देखिए हमारे सारे साबूदाने के आलू बड़े हमारे सारे बन चुके हैं और एकदम बिल्कुल एकदम क्रिस्पी बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं ये। और हम इसे हरे धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इसे ये हरे धनिया की चटनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने हरी मिर्च और हरे धनिया की चटनी बनाई है, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। ये जो हमने व्रत के साबूदाने के आलू बड़े बनाए हैं, इसे आप भी घर पर बनाकर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बेहद पसंद आएंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे हैं। और इसी तरीके से आप नए नए डिशेस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दोबारा नहीं भूले। थैंक यू सो मच, बाय बाय।